हाय एवरीवन, सो आईपीयू लीट में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोमेंट। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत एमसीक्यूज बन सकते हैं इस चैप्टर पे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो भी पॉइंट्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, उन पॉइंट्स को जरूर आप मेंशन करिएगा अपने नोट्स में, ताकि आपको रिविजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो स्टार्ट करते, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने बुक का ही पीडीएफ उठा लिया, लिखता हूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो यहीं से समझते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज नॉट ओनली टू मूव अ बॉडी बट ऑल्सो टू रोटेट द बॉडी। ठीक है, तो मोमेंट क्या है? मोमेंट कह रहा है कि यार एक ऐसी टेंडेंसी है, फोर्स की एक ऐसी टेंडेंसी जो सिर्फ बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन मूव नहीं कराता है, बल्कि उसको रोटेट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉट ओनली टू मूव अ बॉडी बट ऑल्सो टू रोटेट दी बॉडी, यानी वो बॉडी को रोटेट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, दिस रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट। और इस रोटेशनल टेंडेंसी को, यानी वह फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है अपने पॉइंट, यानी वो उस एक्सिस से, तो हम बोलेंगे कि यार ये जो टेंडेंसी है ना फोर्स की, कि जो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रहा है, इस टेंडेंसी को बोलते हैं हम मोमेंट। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या याद रखना है कि रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ द फोर्स इज नोन एज मोमेंट। एक पॉइंट ये याद रख लेना है, क्या? रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ फोर्स। मोमेंट की एक डेफिनेशन क्या हो सकती है? रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ फोर्स। तो आपको बोल दिया जाएगा यार ये चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो मोमेंट की डेफिनेशन नहीं होगा, तो आपको बोलेगा वो फाइंड आउट कर दो, या ये बोलेगा कि चार ऑप्शन है, तीन गलत है, एक सही है, बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो अगर आपको उसकी जितने भी डेफिनेशंस पता है तो आप आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, इन अदर वर्ड इट कैन बी डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट अ हिंज पॉइंट। अगला क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, अगला देखो, जो मेन एक्चुअल डेफिनेशन है वो यहां पे आ गया। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। बहुत अच्छी बात यहां पे ये है कि बहुत अच्छे से डेफिनेशन दे रखा है। वो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि यार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो ब्लैक लेते हैं, ब्लैक से ही बनाएंगे। सपोज करो कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कहा ओ पॉइंट है भाई, ठीक है, और ये जो है ना ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, और ये जो ये ऐसे हम समझ सकते हैं ना यार, देखो कि जब हमें किसी भी पार्ट पे कोई बोल्ट या स्क्रू लगा हुआ रहता है ना, बोल्ट या स्क्रू लगा रहता है, तो हम क्या करते हैं कि जब हमें इस स्क्रू को निकालना है, घुमाना है, तो हम इस पे क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं जिसको पूरे तरीके से कैप्चर करता है और इसको रोटेट करवाते हैं। तो उसी तरीके से समझो कि यार ये पॉइंट ओ है, एक फोर्स लग रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मुझे रोटेट करवाना है। तो ये इस पे अगर हम मोमेंट निकालना चाहें तो मोमेंट कैसे निकलेगा? ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार मोमेंट एट पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल, ठीक है, कि ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ जो है ये एक्सिस पॉइंट है, या बोले ओरिजिन वाला पॉइंट है, ठीक है, और इसके अक्रॉस मैं क्या निकाल रहा हूँ, मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो अप्लाइड फोर्स से, तो हमारा मोमेंट निकल के आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन होगी, थर्ड डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई ये वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी तो होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसके पास फोर्स है। अब जहां फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहां वेक्टर क्वांटिटी होने के चांस है। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है कि
यार हम रोटेट करवा रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा ना कि डायरेक्शन भाई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं या क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, तो डायरेक्शन बताना जरूरी है। अब डायरेक्शन बता रहे हैं और मैग्नीट्यूड तो मोमेंट का कुछ होता ही है, तो डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो हम बोलेंगे कि यार ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे बोला गया, ध्यान से देखो कि डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है राइट हैंड रूल, ठीक है। ये राइट हैंड रूल क्या कहता है, तो उसके लिए आप देखो जैसे ऊपर में एक डायग्राम बना हुआ था, ये देखो ये राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये जो हमारा थंब है ना और ये जो हमारे कर्ल फिंगर है, ठीक है, तो कर्ल फिंगर बताता है डायरेक्शंस, क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, भाई कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और जो ये एक्सिस है अंगूठा जो है ना, वो बताता है मोमेंट का एक्सिस कि ये भाई पॉइंट ओ, ये एक्सिस बता रहे थंब, बिकॉज परपेंडिकुलर है, तो ये थंब एक्सिस बताने का काम करता है मोमेंट ऑफ एक्सिस, और जो कर्ल फिंगर्स है वो डायरेक्शन बताने का काम करता है कि अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। राइट हैंड रूल ये हो गया। हाँ देखो यहाँ पे अच्छे से बताने की कोशिश करी है डायग्राम के थ्रू कि देखो ये हैंड है और ये कुछ जो भी स्क्रू बोल्ट जो भी हो, मुझे इसको रोटेट करना है, किसी पाइप को खोलना है, तो मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूँ कोई मशीनरी इक्विपमेंट और इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट यानी इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ध्यान से देखो, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ओ मान लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और ये मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये फोर्स हो गया, ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकल के आ गया, मोमेंट एट दैट पॉइंट पर्टिकुलर ओ, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा देखना नहीं है, जो देखना है वो ये है कि जो MKS यूनिट है, MKS यूनिट और SI यूनिट मोमेंट में, MKS यूनिट में हम मोमेंट को नापेंगे किलोग्राम केजी मीटर, और SI यूनिट में हम बोलेंगे भाई ये है न्यूटन मीटर, ठीक है। तो याद रखना ये मोमेंट के दो यूनिट्स है, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। फिर है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोमेंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोमेंट को जो अगर आपको समझना है तो इतना कुछ आप मत समझिए, जो मैं एक्चुअल पॉइंट बता रहा हूँ वो समझो। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोमेंट कहता है कि यार जैसे मैंने बोला कि यार पॉइंट ओ जो एक्सिस है मोमेंट का, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट ओ से जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो अगर मुझे इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना, जिस पॉइंट पे मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ विच इज ओ, तो अगर मुझे इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है तो मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया को टू टाइम्स कर दूं तो वो मोमेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो टू इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है जिसमें फोर्स जो है वो मेरा बेस है, फोर्स वाली जो लाइन है वो मेरा क्या है, बेस है, तो वो उसको क्या बोलेंगे हम कि यार एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मेरा मोमेंट क्या होगा, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया इसके एरिया को टू टाइम्स कर दूं तो वो मेरा मोमेंट निकाल के दे देगा। तो यहाँ डेफिनेशन में भी वही चीज बताई गई है, देखो, हैंस द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म्ड बाय द टेकिंग अ पॉइंट एज अ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एंड द लाइन एज द बेस ऑफ ट्राइंगल। जो मैंने बोला बस वही लिया हुआ है, अगर आपको ये चीज जो मैंने अभी बताई है ये चीज पता होगी तो आप आसानी से बोलोगे कि यार ठीक है मेरे को इतना कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन, क्योंकि मुझे लॉजिक पता है, ठीक है। लॉजिक क्या है कि भाई अगर मुझे पॉइंट ओ पे निकालना है मोमेंट तो मैं बोलूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ से जो ट्राइंगल बन रहा है जिसमें फोर्स मेरा बेस है, ठीक है, बेस वाली लाइन है, तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे मोमेंट निकालना है तो वो जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है उसके एरिया को टू टाइम्स कर दूंगा, तो वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है, मुझे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, तो डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द मोमेंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। मतलब अगर देखो कोई भी फोर्स जो बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए कैपेबल है, सक्षम है,
तो हम बोलेंगे ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। और अगर कोई बॉडी को अगर कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए कैपेबल है तो हम बोलेंगे कि यार ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। अच्छा, सॉल्व करते टाइम उन्होंने बोला है कि क्लॉकवाइज मोमेंट को आप हमेशा नेगेटिव कंसिडर कीजिएगा और एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, कि अगर कोई भी मोमेंट अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव के लिए हम बोल रहे हैं कि क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना होता है और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना होता है। ओके, फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला डेफिनेशन क्या कहता है कि यार देखो एक बॉडी है, अब इस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, तो वो कह रहा है कि ये सारे के सारे फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। अगर ये बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि बॉडी के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, सारे के सारे फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है, मतलब कि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो F1, F2, F3, F4 इन सब का मैं मोमेंट निकाल लूं, क्या निकाल लूं, इन सब का मोमेंट निकाल लूं, और उन सब के मोमेंट का अगर मैं सम करूंगा तो वो इक्वल टू क्या होगा, जीरो। समझ में आया कि अगर किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली और बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनी हुई है, तो मैं बोलूंगा उन सभी फोर्सेस के मोमेंट का जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, कि लेट सपोज ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से इस ओ पॉइंट के लिए अगर मैं सबका मोमेंट निकालू, सब फोर्सेस का मोमेंट निकालू, तो इनका जो सम आएगा मोमेंट का, विच इज क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो व्हाटएवर, उन सब का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो लिखा हुआ है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, देन अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स अबाउट अ पॉइंट इन अ प्लेन इज जीरो। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट भी पहले पॉइंट से रिलेट करता है। वो कह रहा है यार देखो मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट। तो कह रहा है अगर मोमेंट इक्वल टू जीरो हो रहा है, ठीक है, कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, अगर वो कह रहा है कि मोमेंट का जो सिद्धांत है वो कह रहा है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनी हुई है तो सभी मोमेंट का सम कर लो वो इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मोमेंट किसके बराबर होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट। अब देखो हमें पता है कि अगर सम जीरो है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट, इसका सम अगर पांच आएगा, इसका भी सम पांच आ रहा है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों का ही सम पांच आने वाला है, कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालूंगा वो भी इक्वल फाइव होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट निकालूंगा वो भी इक्वल फाइव होगा, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी, वो कहना चाहता हूं। और यहाँ साइन कौन सा होगा, माइनस का, तभी तो जीरो हो पाएगा। तो अब ध्यान से देखो मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा कि ये माइनस साइन, अब मोमेंट क्या है मेरा, जीरो है, तो जीरो इक्वल टू क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट। तो माइनस वाले को उधर ले आते हैं, तो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि यार देखो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनी हुई है अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, देन अल्जेब्रिक सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। तो आपको सबसे पहली कंडीशन समीशन ऑफ यानी मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो, एंड अगला पॉइंट क्या रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट या क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये पता है, बहुत अच्छी बात है, आप वहां पे क्वेश्चन सही करके आने वाले हो। दूसरा क्या है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का सिद्धांत है ना, ये आर्किमिडीज से लिया गया था। ठीक है, आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था प्रिंसिपल ऑफ लीवर, वहां से ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ड्राइव किया गया। ठीक है, बात खत्म। ओके, तो यहाँ पे ना एक बता रखा है कि यार किस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ क्या भाई, क्या तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। ठीक है, मोमेंट अगर हमें निकालना हो तो कैसे कंसिडर करेंगे वो मैं भी आपको इलेबोरेट करता हूँ, क्योंकि हमें भी तो न्यूमेरिकल करना है। तो
तो देखो जैसे कि यहाँ ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर की बात कर रहा हूँ। तो देखो F1 है, तो F1 के लिए डिस्टेंस D1 है, F2 के लिए डिस्टेंस D2 है, F3 के लिए डिस्टेंस D3 है, F4 के लिए डिस्टेंस D4 है, ठीक है। सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको गिवन है। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ F1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, देखो क्यों, क्योंकि वो इधर रोटेट करेगा। F2 जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, क्यों, क्योंकि वो बॉडी को इधर की तरफ रोटेट करेगा। तो F2 भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। F3 जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज, बिकॉज वो बॉडी को ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। F4 जो है वो भी बॉडी को क्या है, देखो F4 ये रहा, वो भी बॉडी को ऐसे रोटेट कर रहा है, वो भी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज लिख लिया, ठीक है। अब देखो मुझे F1 जो भी क्लॉकवाइज है उसको क्या लेना है, नेगेटिव कंसिडर करना है, और जो भी एंटी क्लॉकवाइज है उसको कैसा कंसिडर करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है। अब मैं F4 का मोमेंट निकालता हूँ एट पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट O के पर्टिकुलर इक्विवेलेंट हम मोमेंट निकाल रहे हैं। तो मैं बोलूंगा F1 इंटू D1, F2 इंटू D2, फिर बोलूंगा F3 इंटू D3, F4 इंटू D4, ठीक है। अब मुझे मोमेंट निकालना है समीशन ऑफ, तो मैं बोलूंगा जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है वो सब पॉजिटिव। F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 माइनस F3 D3 माइनस F4 D4, काम खत्म। ये मोमेंट निकल गया, जितने भी क्लॉकवाइज थे उनको नेगेटिव ले लिया, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज थे उसको पॉजिटिव ले लिया। तो इसमें बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं लगा मुझे। फिर अब वेरिगन्स थ्योरम। वेरिगन्स थ्योरम क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए कहता है कि अगर नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस यानी एक ही प्लेन में एक्ट करने वाले फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, देन अल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इन अ प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। तो मैंने आपको फोर्स चैप्टर जब पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि यार देखो किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हैं और ये सारे फोर्सेस मिलकर की जो इफेक्ट क्रिएट करेंगे बॉडी के ऊपर, वो सिमिलर इफेक्ट जो है वो इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट भी क्रिएट कर रहा होगा। तो मैं ये कहता हूं कि इन सभी फोर्सेस का अगर मैं मोमेंट निकालू, वो मोमेंट इक्वल नहीं हो जाएगा जो मोमेंट रिजल्टेंट क्रिएट करेगा, बिकॉज इन सभी फोर्सेस के द्वारा क्रिएट किया जाने वाला इफेक्ट इक्विवेलेंट है उस इफेक्ट के जो रिजल्टेंट क्रिएट कर रहा है। तो सिमिलर वे में अगर इन सभी फोर्सेस का जो मोमेंट होगा, ठीक है, वो इक्वल नहीं होगा किसके, रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज वेरिगन थ्योरम आपको बता रहा है कि अगर एक ही प्लेन में एक्ट करने वाले फोर्सेस जब किसी बॉडी पे काम कर रहे हो, देन द अल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट, ओके। बाकी ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है कि 2 टाइम्स ऑफ द एरिया, ये मैं बता चुका हूं। कहाँ पे बताया था, ये यहां पे बताया था आपको, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोमेंट में, ठीक है, तो वो वहां से आपको पता होना चाहिए। नाउ देयर आर पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस हमें पता है भाई, ये एक पैरेलल फोर्सेस का डायग्राम हो गया, ये एक पैरेलल फोर्सेस का डायग्राम हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये अगर फोर्स F1 है, ये F2 है, ये F1 है, ये F2 है, ये जो पहला वाला देख रहे हो दोनों फोर्स पैरेलल है, ये दोनों ही पैरेलल है, ठीक है, दोनों ही पैरेलल फोर्स के एग्जाम्पल है। तो F1 F2 आपस में पैरेलल है, F1 F2 आपस में पैरेलल है, F1 F2 यहाँ पे लाइक है बिकॉज दे आर बोथ इन अ सेम डायरेक्शन, और F2 एंड F1 F2 जो है वो यहाँ पे अनलाइक है बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया, पैरेलल फोर्सेस द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। अगर बोथ द पैरेलल फोर्सेस हैव एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन वी कैन से दैट इट इज अ लाइक पैरेलल फोर्सेस, एंड इफ द लाइक पैरेलल फोर्सेस आर इन एक्टिंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन देन वी कैन से दैट इट इज अ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे, पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट जो हम निकालेंगे उसके लिए हमें 3 तरीके दिए हुए हैं, पैरेललोग्राम, मोमेंट मेथड, ग्राफिकल मेथड। ना हमें ग्राफिकल मेथड पढ़ने की जरूरत है, ना हमें पैरेललोग्राम मेथड पढ़ने की जरूरत है, पेपर में आता आता है सिर्फ मोमेंट मेथड की, भाई इस मोमेंट मेथड के थ्रू हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करके दे दो, बात खत्म।
तो बस हमें ना पैरेललोग्राम पढ़ना है ना ग्राफिकल पढ़ना है, हमें पढ़ना है मोमेंट मेथड। अब देखो यहाँ पर पैरेलल फोर्स की बात की जा रही है, तो पैरेलल फोर्स दो तरह के हैं, एक है लाइक और दूसरा है हमारा अनलाइक। तो हम दोनों के लिए निकालेंगे कि लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए भी हम मोमेंट मेथड यूज करेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए भी हम मोमेंट मेथड यूज करेंगे। तो डायरेक्टली जंप करते हैं हम अपने मोमेंट मेथड पे। ये रहा। तो देखो मोमेंट मेथड है, पहले लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात की है। लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक का मतलब वो है दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करें। अच्छा, चूंकि पैरेलल फोर्सेस है तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा, F1 + F2। एंड अनलाइक पैरेलल है, पैरेलल फोर्सेस में आपको पता ही है दोनों फोर्स के बीच का एंगल हमारा 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, F1 + F2। और अनलाइक पैरेलल फोर्स की बात करें तो उसका जो आर होगा वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो विच इज F1 - F2। यहाँ पे F1 हमारा लार्जर फोर्स है अगर हम ऐसे बात करें, तो ये रिजल्टेंट होता है ना, याद रखना। अब बात करते हैं, ये भूल जाओ जो मैंने अभी बताया, इसको कहीं लिख लेना, वो कि फोर्थ चैप्टर में तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब देखो लाइक पैरेलल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे एक फोर्स F1 है, यहाँ पे एक फोर्स F2 है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक फोर्स F1 है। हेलो, मुझे लगा कि आवाज ही नहीं आ रही है। सो यहाँ पे एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है। तो रिजल्टेंट जो है वो इस पॉइंट C पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट, F1 + F2, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आपका जो फॉर्मूला था ना रिजल्टेंट का, वो क्या था, F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर + 2F1F2, ठीक है। और बाकी तो मैं ही बता चुका हूँ कि R इज इक्वल टू सम ऑफ टू फोर्सेस F1 + F2 क्यों होगा, बहुत बार हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ चुके हैं चीज़, तो उस पर बात करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, मुझे नहीं लगता। बाकी मैंने कर दिया, अब समझ जाइएगा। तो ये रिजल्टेंट निकल गया। अब हमें क्या बोला है भाई, टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट टेक मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट सी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट, कि भाई रिजल्टेंट का पोजिशन क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी के जगह पे हमें मोमेंट निकालना है, तो हम बोलेंगे यार F1 into AC इज इक्वल्स टू F2 into BC, बिकॉज F1 into this ये फोर्स लग, ये F1 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमने F1 into AC कर दिया, F1 into BC कर दिया। अब जो इधर मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले आओ, और जो इधर मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले आओ। अब आपको इनमें क्या गिवन होगा, चार चीजें हैं तो तीन चीजें गिवन होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी। सिंपल सा लॉजिक होता है, क्या होता है कि तीन चीजें गिवन होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एक नीचे वाला तरीका क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा इनके बेसिस पे, तब अब भी आप देखिएगा। अब देखो यहाँ पे बोला गया अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में आपको पता है ये अनलाइक है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। तो वो कह रहा है कि एक फोर्स F1 है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, एक फोर्स F2 है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया कि F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी F2 जो है वो बड़ा है F1 के। तो यहाँ पे एक चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि रिजल्टेंट जो है वो हमेशा F2 की साइड लग रहा होगा। द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स आर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स F2, यानी रिजल्टेंट हमेशा बड़े फोर्स की साइड लग रहा होगा। तो अगर F2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेट द रिजल्टेंट फोर्स आर बी एक्टिंग एट पॉइंट सी सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ ए बी। तो इस केस में क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारा आउटसाइड ऑफ ए बी लग रहा है, ठीक है, इस ए बी के बाहर किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, एट पर्टिकुलर पॉइंट सी। अब मुझे इस सी पॉइंट के पास क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो मैं बोलूंगा F1 into AC, पूरा डिस्टेंस लूंगा, ए बी नहीं लूंगा क्योंकि मैं सी पॉइंट के पास का मोमेंट निकाल रहा हूं। तो F1 into AC, उसके बाद मैं इस F2 के लिए मोमेंट निकाल रहा हूं एट पॉइंट सी, तो मैं बी सी कंसिडर करूंगा, बी ए नहीं करूंगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, हम ए पॉइंट पे मोमेंट नहीं निकाल रहे, हम सी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई हम बी सी लेंगे। तो F1 F2 into BC। अब देखो F1 into AC इज इक्वल्स टू वॉट, F2 into BC। तो F1 upon BC इज इक्वल्स टू F1 upon AC। अब आपको चार चीजें हैं, तीन चीजें गिवन होगी, एक चीज निकालोगे। इसके अलावा एक और चीज देखो, आपको कभी कभार ए सी गिवन होता है, आपको बी सी गिवन होता है,
आपको एबी भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना। या आपको एसी गिवन होगा कि फर्स्ट फोर्स और रिजल्टेंट के बीच का डायरेक्शन इतना है, फिर वो बोलेगा फर्स्ट फोर्स इज दिस, सेकेंड फोर्स इज दिस एंड रिजल्टेंट इज दिस। तो वो क्या बोलेगा, फर्स्ट फोर्स से लेके रिजल्टेंट के बीच का डायरेक्शन ये है, फर्स्ट फोर्स और सेकेंड फोर्स के बीच का डिस्टेंस ये। लेट सपोज कि फर्स्ट फोर्स और रिजल्टेंट का डायरेक्शन 15 है, F1 एंड F2 के बीच का जो बोलेगा कि दोनों फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5। अब देखो आपको क्या करना है, आपको तो ये डिस्टेंस तो चाहिए ही पूरा, आपके अलावा ये डिस्टेंस भी चाहिए, इससे तो कोई काम नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो डिस्टेंस मुझे गिवन है ये मुझे ये डिस्टेंस निकालने में हेल्प करेगा, बिकॉज इस पूरे में से अगर मैं ये 5 माइनस कर दूं तो मेरा इतना डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, तो 15 में से 5 गया क्या हुआ, 10, तो 10 निकल के आ गया। तो ये इस तरीके से भी आपको सोचना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो देगा नहीं, होगा भाई कर लो बच्चे हो, आसान क्वेश्चन दे देते हैं फिर तो सभी कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको सोचना है। बाकी यहाँ से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, रूल फॉर फाइंडिंग आउट रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, ये हम कल देखेंगे। ये तो फॉर्मूला आपने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ लिया, समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना हो तो वर्टिकल समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपॉन समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ये सब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से, विच इज कपल। तो कपल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।